Now it's Bhavika's turn. It's an ego. हेलो एवरीवन, मैं हूँ भाविका और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 25th of November और दो दिन में है दीदी के एंगेजमेंट और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन उसी के साथ आज बहुत सारा काम भी करना है, बहुत सारा काम। तो चलो, आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा केओटिक आई गेस, क्योंकि बहुत सारा काम है, लेकिन उतना ही फन क्योंकि आज दीदी की मेहंदी भी है। हाँ, सो हमने एक डांस है जो दीदी के साथ करने वाले, जिसमें दीदी सोलो है, फिर हम उसे ज्वाइन हो रहे हैं। उसका प्रैक्टिस तो हो गया है, वो उसे पता भी है, लेकिन दीदी को ये नहीं पता कि मैं एक सोलो करने वाली हूँ। मैं और मेरी मम्मी डांस करने वाली है, वो तो उसको पता है, लेकिन क्या सॉन्ग्स है वो सब उसको नहीं पता इतने अच्छे से। एंड मेरी मम्मी भी एक सोलो करने वाली है, ये तो मुझे खुद कल पता चला, और दीदी को तो बिल्कुल आइडिया नहीं, ये पूरा सरप्राइज होने वाला है। एंड लेट्स सी दीदी का रिएक्शन क्या रहेगा, लेकिन फिलहाल बिल्कुल भी प्रैक्टिस या फिर कोरियोग्राफी भी नहीं हुई है, तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे यूट्यूब वगैरह देख के कुछ तो कर लिया है, लेट्स सी अच्छा होता है कि नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट विद दी प्रैक्टिस फर्स्ट और फिर देखते हैं क्या करना है। चलो बाय। 3, 2, 1 स्टार्ट। लोराई भाजी कभी ही साइड में ये ही लोराई भाजी लाला चिमारा चिका दोने मुस्कान फाइनली डांस प्रैक्टिस हो गई और मैंने नहा लिया है, मस्त सा हेयर वॉश किया है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं थाने स्टेशन, क्योंकि मुझे मेरा आउटफिट लेना है और भी दो तीन चीज़ें लेनी है। तो अब मैं रेडी होती हूँ और फिर हम जाते हैं थाने स्टेशन। तो अभी हम मेरा ड्रेस तो नहीं, अभी हम आए हैं मेरा ड्रेस लेने, मतलब ले लिया था लेकिन उसका फिटिंग था, तो अभी हम लोग देख रहे हैं। अचानक से ये ड्रेस बहुत प्रिटी लग रहा है। तू भी को इतना काम करते हो, मैं लिटरली मेरे डैडी का बेड बस लेने आई हूँ। यस, आज की टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, छोटे छोटे काम है। हाँ, छोटे छोटे काम है, लेकिन हमें बहुत घूमना पड़ रहा है। अब हम कल कैसे दिखेंगे, ऐसे टैन वैन दिख जाएंगे, लेकिन कोई नहीं। चलो अभी हम लोग लेते हैं पापा का ड्रेस, मेरा तो हो गया, रुको दिखाओ। भाविया का ड्रेस ना, पापा का ड्रेस। सबसे शानी तो हमारी मम्मी है, उसने 3-4 महीने पहले कुछ डिसाइडेड भी नहीं था, तब से डिसाइड करके रख देते कि मुझे क्या पहनना है, वो लेकर भी आ गई, रेडी भी है मेरी मम्मी। तो अभी हम लोग आए ज्वेलरी देखने, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, मैं तो पूरी थक गई हूँ, लेकिन अभी ज्वेलरी देख रहे हैं। तो लेट्स सी, ये देखो ऑप्शन। हाँ, अभी हम आए हैं शुगर बॉक्स के लेने। अरे कहना क्या चाहते हो, क्या करे, विकी को आप बोलो कमेंट सेक्शन में। ये भाविया वो कोयला लगता था, बट ये असल में फ्रूट है, और मुझे आज पता चला जब ये बोली कि ये खाना है, मुझे भी बोली ये तो कोयला है, आपको पता चला कि वो फ्रूट है। फूल दूसरे फूल को लेते हुए, और ये ब्लडी फूल भाविका, इसका कुछ मत सुनो, और मैं ब्यूटीफुल, और आप जब जो सब वीडियो देख रहे हो वो भी ब्यूटीफुल, आप सब ब्यूटीफुल, और ये येडी, ये फूल है, फूल, पागल वाली फूल। तो अभी हम लोग ने फ्लावर्स ले लिए है, क्योंकि शाम को हम लोग करने वाले हैं डेकोर,
और शायद से वो मुझे ही करना पड़ेगा, है ना? शायद से नहीं, मुझे ही करना। मुझसे कितना काम करा थे ये लोग, बाप रे। चलो अभी ऑटो तो यहाँ मिल नहीं रहे, रुको एक अंकल दिख रहे हैं, देखते हैं। की शक्ल देखो, फुल टैन। आई नो, फिलहाल हम भाविया के ड्रेस के साथ ज्वेलरी ले रहे हैं और मैं भी मेरे लिए कुछ बैंगल्स देख रही हूँ। What is that? हाँ, वेरी प्रिटी। हाँ तो अभी हम लोग आ गए फाइनली सब लेकर। एक्चुअली फोन उल्टे हाथ में पकड़ा था तो इसीलिए। तो चलो अभी घर पे जाके डेकोरेशन करना है और मैं तो अभी थक गई, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अब जाके सोऊंगी। कैसे लग रहा है ब्राइड टू बी? इतना सारा बहुत थका तरीके है ना। अभी शुरू हो गई है तैयारी मेहंदी की और डेकोरेशन का काम आपको पता है मुझे दे दिया गया है। और ये भी डेकोरेशन जो है ऑलरेडी वो भी मैंने ही किया है। और अभी हम लोग ने बाहर के भी लाइटिंग्स को थोड़ा चेंज किया, वो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन शाम को दिखेगा, तो आप देखो। और अभी मैंने सोचा है कि ये थ्रेड को लेकर हम लोग ने ये फ्लावर्स लाए हैं वहाँ से स्टेशन से, तो वो रहता है ना ऐसे फ्लावर जैसे थ्रेड पे रहते, तो वो मुझे डेकोरेशन करना है, तो अभी हम वो करते हैं। लेट्स सी वो वैसे टर्न आउट होता है कि नहीं। ये हमारे घर पे बिल्ली आई है। हाय हाय, काय को? इसको मैंने अभी खाना भी दिया लेकिन ये वापस आ गई, लगता है इसको भी मेहंदी चाहिए। देख मैं गाड़ी लाऊंगा रेडी और अब हम मिलेंगे ब्राइड टू बी से। सब लोग बोलो करण प्यार का, करण प्यार का। अरे सबका वो सबको जो होगा तो सब सब जोर से। हाँ सब आएंगे तो हम लोग वापस लगाएंगे करण प्यार का। हाँ और डॉल भी आई है घर पे। सब एकदम मस्त बैठी पुटी रेडी हो गए हैं। पहले बैठी है मेहंदी लगाने के लिए सबसे बड़ी लड़की घर की, ये बैठी है पहले मेहंदी लगाने। वाह वेरी नाइस। बोल तुला मम्मी काय बोलली बोलायला? अरे बोल ना लवकर। और जीते को कितना प्रीटी लग रहा है डेकोरेशन। पापा गुड जॉब, नाइस जॉब। आपको भी ऐसे डेकोरेशन चाहिए रहेगा तो कॉन्टेक्ट। ब्राइट फोन तो रख अपना, क्या ब्राइट कंफ्यूज है कि ज्यादा मतलब मेरे को इधर कैसे दिखाऊं। और इसको अभी एक न्यूज मिली है कि ब्राइडल मेहंदी को लगते हैं इसमें मैं तो आधा हाथ भी नहीं निकाल रही थी, मेरे को इन लोग की वजह से मैं निकाली हूँ। और अब तो मेरे को टेंशन है 6-7 घंटे में कैसे बैठेगा, मैं सोच रही स्टिकर ही लगा लूंगी। नो यार बिल्कुल भी नहीं। हम लोग को देखना मुझे सबसे सुबह सुबह लोग बैठ जाते हैं इसलिए ये प्रोग्राम दो दिन पहले होता है। गाइस ब्राइड टू बी का ड्यूटी था, सॉरी करवली ड्यूटी की, हमें लाना था सोजू तो हम सोजू लेके आए और अभी हमने सबके लिए सोजू शॉर्ट्स बनाए। ये रही हमारी क्या बोलते हैं बार्टेंडर, हाँ तो इसने बनाया है, ये बहुत प्रो है। ये देखो इनको सिर्फ सोजू चाहिए। टेस्टी है ना बहुत। ये देखो बहनों का क्या चालू है। आ गया है
अरे इधर अलग ही है। दूल्हा के लिए जोर से ताली ताली। मेहंदी चल आता तू पण काढ। इसने ऑलरेडी इतनी सारी मेहंदी निकाल रखी है। बहुत बड़ी मेहंदी निकाली है, परमानेंट। इधर इधर अभी दूल्हे राजा बैठ गए मेहंदी निकालने के लिए। उनको देखते हैं। आंटी आपको ये इन लोगों ने मम्मी वगैरह ने मेहंदी निकाली और अभी सारा काम मुझे बोल रहे हैं करने को। ये देखो नाच रहे हो अभी क्या करने का, और अभी सारा काम मुझे करना पड़ेगा। लास्ट व्लॉग में जो दिवाली वाला व्लॉग था उसमें मैं साक्षी साधना थे लेकिन एक कोई तो मिसिंग था और वो आज आ गई है। तो मीट रुचि, ये मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है गाइस। और आज मेहंदी तुझे देखो मेरी बच्ची है तो हम लोग अभी मेरी वाली लगाएंगे। नाउ इट्स भाविका'स टर्न। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी जो मेहंदी है वो थोड़ी सूख गई है तो मैं फोन ऑपरेट कर रही हूँ। लेट्स गो। हाँ सारी की मेहंदी हो रही है, डॉल की भी मेहंदी हो रही है। ए तेरी मेहंदी दिखा। अय्या ये किस सुंदर लड़की का नाम लिखा तूने। ये क्या है, करंट प्यार का। जोर से लगा ना तुझे। अरे करंट 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 लगा रे। क्या आपके जौहर का नाम कहाँ छुपाया गया। अरे संजू नाम कहाँ है शौहर। अरे जौहर करण होता है शौहर। शौहर और जौहर क्या होता है, पूछ के आग लगा लेते यार। अन्ना ये अन्ना मीम कंटेंट है, मीम कंटेंट भाई। तू मीम कंटेंट है, मीम मटेरियल है तू। मेरी मेहंदी तो हो गई आपने, मुझे पता नहीं मैंने व्लॉग किया कि नहीं मेहंदी के बाद, मुझे याद ही नहीं अभी। तो मेरी ये रही मेरी मेहंदी। और एक सेकेंड पापा पकड़ा, मैं आपको दोनों हाथ की मेहंदी दिखाती हूँ। और अभी सब लोग चले गए घर पे, अभी सिर्फ मैं दीदी और डॉल बचे। और मैंने तो खाना खा लिया था, इन लोग ने नहीं खाया। और इसको देखो क्या है ये ट्रिक लॉन्ग का स्टीम। हाँ इससे मेहंदी ज्यादा रंग की। लॉन्ग द लश्कर, लॉन्ग द लश्कर नाइस। जास्त रंग थे ऐसा बोलिए तो मैं भी ले ही लेती हूँ। वैसे तो मुझे जरूरत नहीं है ये सब करने की, मेरा विक्की मेरे से वॉल पे आ करते तो मैंने वो रंग चढ़ेगा। देखते हैं कल पता चल जाएगा। तेरा रंग कैसे चढ़ेगा, तेरा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है। मैं सेल्फ लव मैं बिलीव करती हूँ तो मेरा तो खुद का करते हैं तो नहीं, फिर अभी कोई नहीं है तो फिर मेरा खुद का प्यार ही इसका ही रंग रहेगा ना। मेहंदी लग गई है और अभी परसों होने वाली है एंगेजमेंट। चलो तो अब हम मिलेंगे एंगेजमेंट ब्लॉग में, क्योंकि अब मैं ये ब्लॉग कर रही हूँ यही पेंट, क्योंकि कल तो हम पूरा दिन मोस्टली डांस प्रैक्टिस और जो भी छोटे मोटे काम है वो कर लेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यस तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।